नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक टीचर को गांव वालों ने पहले तो जमकर पीटा, फिर आधा मुंडन किया और काला मुंह करके जुलूस निकाला। टीचर ने 13 साल की नाबालिग को लव लेटर लिखकर मिलने का दबाव डाला था। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना इंदौर से 70 किलोमीटर दूर स्थित मानकपुर के खेड़ी सिहोर गांव की है। वैभव नायक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उसने 13 साल की छात्रा को लव लेटर भेजा है। लेटर में उसने लिखा कि मुझसे फोन पर बात करना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। छात्रा ने ये बात घर वालों को बता दी। इस घटना की सूचना मिलते ही लड़की के पिता और ग्रामीण वैभव के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे पकड़कर पहले उसके सिर के आधे बाल काटे और उसके बाद उसकी हालत में उसे पूरे गांव में घुमाया था। उसके मुंह पर काला ऑयल भी डाल दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी हितेंद्र राठौर ने बताया कि 24 साल का आरोपी वैभव नायक झांसी का रहने वाला है। वो एक साल से खेड़ी गाँव के निजी स्कूल में पढ़ा रहा है। नायक ने शुक्रवार शाम को 6 साल की बच्ची के साथ ये हरकत की। उसने 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को लव लेटर भेजा और बात करने का दबाव बनाया। छात्रा के पिता ने बताया कि वैभव पहले भी बच्ची से अश्लील हरकत कर चुका है। पुलिस ने टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।